गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास सेवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। स्टेटमेंट नोट करें, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर। दिस इज known as Pythagoras theorem। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी होता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स क्या होता है? अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जो उसकी सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होगा, उसके सामने का एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें लिखेंगे आप, इफ इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड दैट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इस साइड दी गई है आपको 7 12 13। अब पता नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, हम क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर किया 49, 12 का स्क्वायर किया 144, 13 का स्क्वायर किया 169। तो 49 प्लस 144 इक्वल होता 169। सो 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। देयरफॉर 7 और 13 की साइड होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल को बनाती है। 13 सेंटीमीटर उसका हाइपोटेनस होगा और 13 के सामने जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली से 12 और ये 13 हो जाएगी, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया। ये अदर टू साइड्स हो जाएंगे, अदर टू साइड्स में एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज और राइट एंगल ट्राइंगल की जान लें। जो हाइपोटेनस होती है वो उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस से बड़ी साइड उस ट्राइंगल में नहीं होती है। एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ वन लेवल इन अदर साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। हाइपोटेनस दिया है 25 सेंटीमीटर, वन साइड मान लो परपेंडिकुलर दिया है, वन साइड के लिए 7 सेंटीमीटर, थर्ड साइड के लिए बेस हमें फाइंड करना है। ओके, सो इन राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, 49 बी स्क्वायर 625, तो बी स्क्वायर इक्वल 625 माइनस 49, तो बी स्क्वायर उत्तर हो गया 576। अब 576 के फैक्टर्स करते हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है 576? 24 का स्क्वायर।
ये हम फाइंड कर लेंगे पहले 24 का स्क्वायर, देयरफॉर b इक्वल हो जाएगा 24, देयरफॉर थर्ड साइड हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर, सो दैट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक्चुअली में ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख ले, आप ट्राई करके देख ले, फाइंड करके देखे है या नहीं है। 16, 9 एंड 12, साइड्स आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर। तो 16 का स्क्वायर 256, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। अब छोटी वाली दोनों साइड के स्क्वायर में सबट्रैक्ट कर लो, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144, ऐड करेंगे तो 225, ये 225 होगा, इसका स्क्वायर ये, देयरफॉर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर 16 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर आर नॉट साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड दी गई है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल फाइंड करना है, बी सी डी रेक्टेंगल जो कि 90 का होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एवी इक्वल्स 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बीसी इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 16 स्क्वायर 12 स्क्वायर 256 प्लस 144, ऐड करेंगे हम 420 का स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर्स दिए गए हैं, इजीली हो जाएंगे। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर बिलो व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है, वही जो आपने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी टाइप से आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
The length of one side of right angle triangle is 4.5 cm. Length of its hypotenuse is 7.5 cm. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई गया जिसमें एक साइड की लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दिया 7.5 सेंटीमीटर, अदर साइड में फाइंड करनी है उसको मैक्स वाली लेफ्ट दिया ट्रायंगल का ए बी सी, तो एल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, AC hypotenuse is given 7.5 सेंटीमीटर, BC X if and when. अब जब right angle triangle है तो इसमें Pythagoras theorem applied हो जाएगी. So by Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal AC square, so 4.5 square plus X square equal to AC 7.5 square, 4.5 square 20.25, X square 52.25, so X square की value जाएगी 52.25 माइनस 20.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 के फैक्टर्स कर जाएगा ना, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 जिसका पेयर बनता है बाहर आ जाता है, तो 2 जब 4 बन जाएगा 4 root 2 cm, ये हमारी थर्ड साइड हो जाएगी। अब रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, अगर मल्टीप्लाई कर दे इससे तो ये बन जाएगा 5.66 सेंटीमीटर, ये थर्ड साइड की लेंथ फाइंड हो जाएगी। ओके, read the next question. The question is, यहाँ पे कुछ mistake हो गई है, 7.5 का स्क्वायर होता है 52.25, 56.25 होता है, 56.25, ओके, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 36 आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन है, टू पोल्स आर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर मीटर स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन देम 18 मीटर, दो पोल है 7.5 का है, एक 15 मीटर का है, 7.5 मीटर ये 15 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 18 मीटर, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ बाय स्टेप फ्रॉम टॉप ऑफ पोल टू अनदर पोल,
एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप पर एक वायर बांध रही है, इस वायर की लेंथ फाइंड करना है आपको, ए बी सी डी, इस लेंथ इसको हम एल मान लिया। तो हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल 7.5 मीटर एंड हाइट ऑफ अनदर पोल CD इक्वल 15 मीटर, लेंथ ऑफ वायर AD इक्वल L मीटर। हमने क्या किया, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, AL मान लीजिए, AL परपेंडिकुलर टू CD, तो AL की वैल्यू हो जाएगी 18 मीटर और ये CD, CD दी गई है, CB की वैल्यू दी गई थी पहले से 18 मीटर, उसके बाद DL की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 7.5 ये 7.5, तो DL CD माइनस CL, तो 15 माइनस 7.5 तो ये 7.5 मीटर है, ये 18 मीटर हो गई, ये 7.5 मीटर हो गई। इसमें पाइथागोरस लगेगा इन ट्रायंगल CLA DLA DLA AD स्क्वायर इक्वल DL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7.5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, 7.5 उसका 56.25, 18 उसका 324, तो ऐड करेंगे हम 380.25 L स्क्वायर, L की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर 380.25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 380.25 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 9 टाइम्स, अपडेट करेंगे 9 38 डेसिमल 5 टाइम्स, तो 19.5 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ वायर है। ओके, तो इसी टाइप से ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो। ओके, बाकी जो क्वेश्चन रह गए वी विल सी टुमारो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।